तो अच्छी चीज यार, ये मोबाइल के पीछे लगा लो, इससे आपको हानिकारक रेडिएशन आपसे दूर रहेंगे। ये गोबर का बना हुआ है, बहुत तेज यार। सोनी जी प्लीज हमको दे दो, नहीं वो दे दो सोनी जी थोड़ा सा। ये पाठक जी, जैन साहब से मिल ही चुके हैं। पाठक जी से कम मिलना होता है ना। हमारे पांचल जी एक ज्योतिषी हैं, आप इनका परिचय हम कभी इत्मीनान से कराएंगे आप लोगों से, क्योंकि बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही बड़े ज्योतिषी हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि जैसा आपको पता है ऑफिस में प्रोग्राम चल रहा है। अब एक ही दीदी आती कि नहीं, कि आज फिर खाने की प्रॉब्लम आई नहीं, तो मैं कोशिश करूँगा दोपहर में आने की। चलो दोस्तों नाश्ता करेंगे आज हम। क्या क्या है इसमें? ठीक है, हलवा है, ये मीठे में है। सोनी जी हमको भी दे दो, सोनी जी प्लीज़ हमको दे दो। ये सोनी जी हैं दोस्तों, देते नहीं हैं, और दे दो सोनी जी थोड़ा सा। देखो देखो कितना लिया फट गया। थैंक यू। पाठक जी भी आए लेने, क्या लोगे बताओ? नेक्स्ट क्या है आज? नीचे बैठ के हम करेंगे ब्रेकफास्ट। आओ पंडित जी के आसपास बैठेंगे, थोड़ा तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी यार। ये है भाई दोस्तों, बैठो। तो यह पाठक जी, जैन साहब से मिल ही चुके हैं। पाठक जी से कम मिलना होता है ना? हाँ, अभी कहीं मिलते हैं हमसे वैसे भी। हाँ, इनके बच्चे के बर्थडे में गए थे। याद है? नहीं, इनको याद है, हमें तो याद है। बहुत टेस्टी याद हो, उसको उम्मीद नहीं थी, है ना? अच्छा टेस्ट है, बहुत टेस्ट, बहुत अच्छा। तो ये देखो घर कितना पुराना है और अच्छा लग रहा है ना, ऐसे डिजाइन वाले घर अच्छे होते थे। तो दोस्तों वापस घर आ गए हैं, गीत और बेचने के लिए नाश्ता लेकर। अपने तो कर ही लिया, आपने देखा कि इतना मस्त खाना खाया है, क्योंकि आज भी दीदी नहीं आई है। ये दर्शन जैसा बता रही, 3 दिन हो गए, फिर से 2 दिन की छुट्टी ले गई थी, तीसरा दिन है। बहुत दिक्कत होता है, 2 दिन तो मैनेज कर लो, अब फिर बहुत सारे बर्तन होंगे और 2 दिन से मुझे टाइम नहीं मिला। दर्शना की तबीयत भी ठीक नहीं है, काम करना है ना, और सॉरी पढ़ाई करना, परसों ये पेपर है। चूचू नहीं देखना, नो चूचू, पापा को बोलो नो चूचू, नो चूचू, ओके? चूचू मतलब कार्टून नहीं देखेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, नो टीवी। दर्शन जा रहा है, गेट बंद कर लेना। तो हमारा पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, लंच के वेट कर रहे हैं। रमेश भाई साहब, चंदन जी, मयंक गुप्ता जी, रवि जी, महाजन जी हैं उधर, खाना चल रहा है। देखो अभी वेट कर रहे हैं हम, हमारा नंबर आने वाला है, अभी हमारा नंबर आने वाला है राउंड होने के बाद। वैसे बहुत दिन बाद ऐसा खाना खाएंगे हम बैठ के। कल मैं घर चला गया था, कल भी खाया लोगों ने मैंने, ना कल अच्छा खाना था, आज भी अच्छी होगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी व्यवस्था थी, चलो निकलो यहाँ से। धोती वाले पैंट वाले, ये जीन्स के पैंट वाला है। ऐसे प्रधानमंत्री जिनको शत शत वंदन, यज्ञशाला से नरेंद्र जी मोदी साहब, जिन्होंने प्रथम दिवस वेद महोत्सव का प्रारंभ हो रहा था। तो दोस्तों देख लो आप भी, आज यज्ञ का दूसरा दिन है और ये हमारे पांचल जी एक ज्योतिषी हैं, आप इनका परिचय हम कभी इत्मीनान से कराएंगे आप लोगों से, क्योंकि बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही बड़े ज्योतिषी हैं। हमारा सौभाग्य कि हम उनके साथ उठ बैठ रहे हैं। आज हमको ये वेदों के बारे में पांचल जी समझा रहे हैं, तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। क्या क्या लिया है बताओ? अगरबाजी लेकर आए, केस निखार, ये किसका आएगा? ये केस निखार है, चेहरे पे इसको पेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो है ना थोड़ा गंजापन, ये घनापन आ जाएगा। ये किस काम का है? उपटन है चेहरे पे, फेस, ये कल देखा आपने, ये पूरा ये दिख रहा है,
ये कितने अच्छे गाले इसके, ऐसे थोड़े जो गड्ढे का, ये इनकी इनकी स्किन का राज यही है, यही है। ये क्या है, ये भी ले लिया तुमने, श्री काम देनो। ये क्या है तक्सव तक्रसव कब्जियत के लिए, क्यों कब्जियत की बहुत समस्या रहती है साहब, कभी कभी तो 3 दिन तक, नहीं सही बात है, कभी कभी तो 3 दिन तक जाता नहीं, और कभी कभी तो ना इतनी दिक्कत आ जाती है ऑफिस में बैठना मुश्किल है। तो सर ये बहुत अच्छा लिया है, ये मुझे अपने को लगाया था, वही है क्या ये बाम के सरदर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, क्यों ये माइग्रेन के लिए, नहीं माइग्रेन नहीं सरदर्द, अरे लेसन अंतर है यार, वो सूंघने का ये लगाने का है, थोड़ा लगा लहसुन है, सर्दी हो रही है, क्यों लहसुन है, तो लगाना तो बहुत तेज यार, वो सर्दी के लिए था, सर्दी कफ के लिए, क्या ये काहे के लिए है, तो सर्दी के लिए है। अच्छा ये देखो मोबाइल पे, ये देखो मोबाइल पे, ये नहीं होता वाइब्रेशन, इसका क्या बोलते हैं मोबाइल में क्या होता है, इससे क्या नहीं होता रेडिएशन, रेडिएशन मोबाइल में नहीं पहुंचेगा, कहाँ रखना है मोबाइल में लगाना है, मोबाइल में लगाना है पीछे, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये मोबाइल के पीछे लगा लो, इससे आपको हानिकारक रेडिएशन आपसे दूर रहेंगे, ये गोबर का बना हुआ है, बहुत तेज है, ये क्या बोलता मानो ये काय को लोग गोबर ही लेके लगा लेंगे, सही तो बात है, चुकेगा कैसे गोबर, अरे तो गोबर चुकेगा ना, ढीला गोबर लिया लगा लिया, सूख जाएगा, चुका रहेगा, वाह गोबर पड़ा हो चलो तो मोबाइल डाल के लपेट लो, अच्छा तो ये आपकी त्वचा का राज यही है, आए दिन ले जाते भूख ना लगना, लिक्विड बॉटल है हाँ, जिसको सूंघो आप, जिसको सूंघने से जो है आपको भैया देखो पेट की समस्या के लिए ले जाते हैं, समस्या है ना, ये पेट की समस्या हमने बताया ना आपको, 3 दिन तक बहुत दिक्कत होती है, ये बहुत सही है इसको, तो मैं रिश्तेदारी में निकाल लूँगा। तो दोस्तों घर तो आ गए और आज 7:30 बजे घर आ गए, लोग बहुत मज़ा आता है प्रोग्राम में ऐसे, और ये कल ख़त्म हो जाएगा संजय को, तो हम तो एंजॉय कर रहे हैं इसको, बड़ा मज़ा आ रहा है, रचना जा पाती अगर कार होती ना, हमने कार भेज दी तो कल जाएगा रचना, समझ में नहीं आ रहा क्या बताएं, तो मैं एग लेके आता हूँ, ऑमलेट बना लेंगे और ऑमलेट खाते हैं, क्योंकि दीदी तो धोखेबाज निकली, वो पता नहीं कितने दिन तक धोखे देगी यार, और ठंड ख़त्म हो चुकी है इंदौर में, ऐसा लगता है ठंड कभी थी ही नहीं, तो देख लो ऐसे घूम रहा हूँ रात के 9 बजे। तो दोस्तों रचना आप सो गई है, तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या खेल रही है, कुछ भी खेल रही है आज तो अच्छा मस्ती खोर हो गया। अच्छा तो दोस्तों आज मैं जल्दी सोऊंगा सुबह, कल फिर जाना है ऑफिस 8 बजे संडे को भी, तो गुड नाइट दोस्तों, कोई टीवी नहीं, कोई मूवी नहीं, कोई वेब सीरीज नहीं, कुछ नहीं, आउच। तो अभी हालांकि 11 बज गए हैं, तो गीत को खिला दिया खाना, रचना सो चुकी है, अगर उठेगी तो दूध पी लेगी, तो बाय, गुड नाइट, जय माता दी, कल मिलते हैं, बाय।